सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। इसे कर्नल अजय जी, बात करें अगर स्टॉक मार्केट की, तो आपको क्या लगता है 2022 में स्टॉक मार्केट कैसा रह सकता है और आज स्टॉक मार्केट कैसा रह सकता है? देख रहे हैं कि 2022 का पहला कारोबारी सप्ताह का पहला कारोबारी दिन है। देखिए, सन 2022 का वर्ष का पहला कारोबारी दिन सकारात्मक रहेगा। मेटल, ऑटो, आईटी, इन सभी स्टॉक्स के अंदर अच्छी तेजी की संभावनाएं बन सकती हैं। और आपका जो सवाल है, सन 2022 के अंदर शेयर बाजार की क्या संभावना बनती है? शेयर बाजार निश्चित रूप से दर्शकों को और इनमें कारोबारियों को, निवेशकों को भरपूर लाभ देने में सक्षम है। और ये एक ऐसा बाजार है जिसके अंदर हर आमो खास की पूरी नजर और पूरा इंटरेस्ट रहता है। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड भी करते हैं, घरेलू संस्थागत निवेशक भी करते हैं, विदेशी संस्थागत निवेशक भी इस भारतीय बाजारों के अंदर लगातार निवेश करते हैं और बहुत से पेंशन फंड और दूसरे दुनिया भर के फंड्स भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं। भारतीय शेयर बाजार के अंदर इस वर्ष मेटल स्टॉक्स का बोलबाला रह सकता है, बैंकिंग स्टॉक्स अपना रंग दिखा सकता है, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स के अंदर भी तेजी बनी रह सकती है। इन सेक्टर्स के अंदर अच्छी मूवमेंट बनने की संभावना बन रही है। मेटल स्टॉक्स बहुत बढ़िया कर सकते हैं, बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर बहुत बड़ी तेजी बन सकती है। और सन 2022 के यदि आप कहें कि इसके अंदर यदि पहले 10 या 15 स्टॉक्स में यदि हमें सिलेक्शन करना पड़े जो फंडामेंटली मजबूत हों, कम रिस्क के हों और आपको ज्यादा मुनाफा दे सकते हैं, उसके अंदर यदि मेरी चॉइस रहेगी, सबसे पहले बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर सबसे बड़ा मार्केट कैप के लिहाज से HDFC बैंक, प्राइवेट सेक्टर के अंदर दूसरा बड़ा बैंक ICICI बैंक और सरकारी क्षेत्र की के दो बैंक, एक SBI बैंक और पंजाब नेशनल बैंक, ये चार स्टॉक जो हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और फंडामेंटल के नजरिए से मजबूत नजर आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग बैंकिंग सेक्टर में दो स्टॉक या तीन स्टॉक और पकड़े तो उसके अंदर कोटक बैंक के ऊपर मैं नजर रखना चाहूंगा और दूसरा है AU स्मॉल, माइक्रो फाइनेंस से कन्वर्ट होके ये बैंक बना है, इसके अंदर भी तेजी की संभावनाएं बन सकती हैं। ये 5-6 स्टॉक्स बैंकिंग सेक्टर में आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त मेटल स्टॉक्स के अंदर जो है उसके अंदर टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वेदांता और हिंदुस्तान कॉपर, ये स्टॉक्स हैं, ये मेटल सेक्टर के अंदर तेजी दिखा सकते हैं, इसके ऊपर नजर रखनी उचित रहेगी। इसके अतिरिक्त अब हम IT स्टॉक्स यानी सूचना एवं प्रौद्योगिकी स्टॉक्स में नजर रखें तो उसके अंदर इंफोसिस, TCS, विप्रो, HCLTech और माइंडट्री, ये 4-5 स्टॉक्स हैं, ये इस सेक्टर के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करने की संभावना है। अब यदि अब हम देखें कैपिटल गुड्स के अंदर, तो कैपिटल गुड्स के अंदर हमें नजर रखनी चाहिए लार्सन एंड टर्बो पर, बहुत अच्छा स्टॉक है। भेल पर ये इस पर नजर रखी जा सकती है, इसके अतिरिक्त ABB पर नजर रखी जा सकती है और सिमेंस पे नजर रखी जा सकती है। ये कैपिटल गुड्स के अंदर इन स्टॉक्स के ऊपर नजर रखी जा सकती है। सारे बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। इसके बाद आता है फार्मा स्टॉक्स। फार्मा स्टॉक्स के अंदर डॉक्टर लाल पैथोलॉजिकल लैब, इसके ऊपर नजर रखी जा सकती है। फाइजर पे नजर रखी जा सकती है, सन फार्मा पे नजर रखी जा सकती है और सिप्ला के ऊपर नजर रखी जा सकती है। ये फार्मा की और एक और स्टॉक डॉक्टर रेड्डी पर नजर रखी जा सकती है। ये फार्मा स्टॉक्स के स्टॉक सेक्टर के स्टॉक्स हैं जिन पर नजर रखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त यदि हम ऑटोमोबाइल सेक्टर पर नजर डालें तो टाटा मोटर्स मेरी पहली पसंद होगा, मारुति उद्योग, मारुति सुजुकी ये मेरी दूसरी पसंद होगा और तीसरा स्टॉक अशोक लीलैंड के ऊपर मैं नजर रखना चाहूंगा और चौथा स्टॉक महिंद्रा एंड महिंद्रा। इन स्टॉक्स के ऊपर, ये चार स्टॉक्स ऑटोमोबाइल स्टॉक्स के फ्रंट लाइन स्टॉक्स हैं, इनके ऊपर आप साल 2022 के लिए नजर रखिए। अब सेक्टर आता है आपका रियल एस्टेट सेक्टर। रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर आप यदि निवेश करना चाहते हैं तो शोभा डेवलपर की तरफ देखिए, लोडा की तरफ देखिए, ये अच्छे स्टॉक्स हैं और कुछ निवेश आप कुछ परसेंटेज आप DLF के ऊपर भी कर सकते हैं।
ये रियल एस्टेट स्टॉक्स के ऊपर है। इसके अतिरिक्त केमिकल स्टॉक्स के ऊपर मैं आपको विशेष जोर देने की सलाह दूंगा। इस साल टाटा केमिकल पे आप नजर रखिए, इसके ऊपर ये अच्छी तेजी दिखा सकता है, इसको हर गिरावट पे खरीदना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक्साइड बैटरी के ऊपर भी आपको नजर रखनी चाहिए, ये भी एक अच्छा फंडामेंटली बहुत मजबूत शेयर है। तो ये जो 15 से 18 शेयर आपको बताए, ये वो चुनिंदा नगीने हैं जिनके ऊपर आपको नुकसान होने की संभावनाएं बहुत कम है। इनको आप गिरावट में खरीदते जाइए और इसको साल 6 महीने के नजरिए से आप रखिए तो आपको बहुत बढ़िया रिटर्न मिलेगा। जो एफडी का रिटर्न है उसे कई गुना रिटर्न इसमें मिल जाएगा। डिविडेंड सारी लगभग सभी कंपनियां डिविडेंड पेइंग कंपनी हैं, इनके ऊपर आप निश्चित रूप से आपको डिविडेंड भी मिलेगा और साथ साथ के अंदर इसको अच्छी ग्रोथ भी होगी। तो ग्रोथ के साथ साथ में आपका पैसा भी सुरक्षित रहेगा और आपका को अच्छा मुनाफा ये कमा के देंगे। एक और महत्वपूर्ण है लिकर स्टॉक्स, मैंने छूट गया, तो लिकर स्टॉक्स के अंदर रेडिको खेतान और यूनाइटेड ब्रेवरी जैसे स्टॉक्स के ऊपर भी आप नजर रख सकते हैं। तो कुल मिला के ये 15 से 18-20 स्टॉक हैं, उन स्टॉक्स को सन 2022 के अंदर यदि इसी के अंदर आप ट्रेडिंग या उसमें करते रहें, गिरावट में खरीदें, ऊपर आने पे बेच दें, फिर गिरावट आती है फिर खरीदें फिर बेचें, तो आराम से आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। इसके लिए आपको और बहुत ज्यादा स्टडी की आवश्यकता भी नहीं है, ये अपने रडार पे लगाइए, अपने स्क्रीन पे लगाइए 15-18 स्टॉक्स और उसी में ट्रेड करते रहिए। आपका निवेश भी सुरक्षित रहेगा, आपको टेंशन भी कम रहेगी और बाजार के उतार चढ़ाव से बचना पड़ेगा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल अखिलेश जी, मैं आपके जरिए दर्शकों को जवाब देना चाहता हूं। एक बड़ा सवाल अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि सर नौकरी पेशा वाला व्यक्ति क्या करे, वो व्यक्ति जिसकी आमदनी सीमित है और बहुत बड़ी इंक्रीमेंट नहीं होती है और वो क्या करे, क्योंकि सब में बड़ा पैसा लगता है, पैसा उसके पास होता नहीं है, तो वो क्या करे। जो वो मध्यम वर्गीय जो आम इंसान हिंदुस्तान का है उसके लिए मेरे पास एक बहुत शानदार सजेशन है, क्योंकि मुझे मेरा मानना है कि जब तक हम हर आमो खास को नहीं फायदा उठाएंगे तो हमारे इस प्रोग्राम का कोई फायदा नहीं है। आप निफ्टी बी यानी NIFTY निफ्टी बी डबल ई यानी निफ्टी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इसके ऊपर आप नजर रखें और जो भी आपकी बचत है इसमें आप निफ्टी के इसके अंदर इसके जरिए आप निवेश कर सकते हैं। उससे फायदा यह रहेगा आपको फ्यूचर के बचना पड़ेगा और निफ्टी की जो तेजी है, क्योंकि जो 50 कंपनियों की बेहतरीन कंपनियां उसमें से सेलेक्ट होती हैं देश की, उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं और बहुत कम निवेश के अंदर एक नौकरी पेशा वाला व्यक्ति इसमें निवेश कर सकता है और बाजार की वॉलिटिलिटी से बच सकता है और बाजार की तेजी का पूरा पूरा फायदा उठा सकता है। इसके अतिरिक्त निफ्टी बी के अतिरिक्त गोल्ड बीज भी जो है वो भी आप ले सकते हैं। तो एक निफ्टी बी और एक गोल्ड बी यानी सोने में भी निवेश है आपका और निफ्टी पे भी है, तो बाजार की जो जो इन की जो तेजी है उसका पूरा फायदा ये नौकरी पेशा वाले व्यक्ति या वो जो छोटे कारोबारी या दुकानदार जिनकी आमदनी बहुत सीमित है उनके लिए बहुत बढ़िया है। और विशेषकर जिन बच्चों की पढ़ाई होनी है, जिनकी शादी ब्याह होनी है, उनको भी धीरे 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 उनके लिए भी ये आप जोड़ के रख सकते हैं, क्योंकि एफडी में आप रखेंगे 3 से 5% से ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा नहीं एनुअली, और वो महंगाई के बनस्पत आपका पैसा कम ही होगा, ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट कम है और आपको उसमें नुकसान भी है। तो यदि आप इस तरह से आप रखेंगे तो आपका पैसा आपके पास रहेगा और बाजार की ग्रोथ उसमें आपकी जुड़ती जाएगी और धीरे धीरे बूंद बूंद करके गड़ा भर जाएगा और आप अच्छी स्थिति में रहेंगे। जी अखिलेश जी, जी